हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जीवन और आप देख रहे हैं हमारा आपका चैनल जो कि जीवन प्लस। तो मैं फ्रेंड से आ गया फ्रेंड एक नया वीडियो को लेकर। तो फ्रेंड ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड भी होने वाला है, क्योंकि मैं अट्रैक्टेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है। हाँ फ्रेंड, बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है फ्रेंड। इस जो वीडियो है वीडियो के टॉपिक के ऊपर बहुत सारे यूजर्स ने यूट्यूब पर बहुत सारे सर्च किया है फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड कोई भी यूज़र इस वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा रिवील नहीं कर पाया। लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने देखा पूरा का पूरा तो आपके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड, पेटीएम का जो नया कंसेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा टॉपिक, और उस टॉपिक के ऊपर मैं फुल इन्फॉर्मेशन देकर इस वीडियो बनाया। तो फ्रेंड वो क्या टॉपिक है? हाँ फ्रेंड, पेटीएम का जो नया कंसेप्ट है पोस्ट पेड प्लान से फ्रेंड पेटीएम ने बहुत सारे यूजर्स को बहुत सारे रुपीज़ दे रहा है। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपको पास फुल KYC अकाउंट है, जैसे कि आधार कार्ड एजेंट्स के पास जाकर आपने फुल KYC कर लिया, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक पा सकते हो आप जो फ्री में। तो फ्रेंड उसको, हालांकि उसको नेक्स्ट मंथ में आपको चुकाना है। और जैसे कि आप मिनी KYC करा है तो आपको 200 से 300, 400, 500 तक आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड जो कि आपको नेक्स्ट महीने में चुकाना है। तो फ्रेंड कम टू द पॉइंट, तो फ्रेंड मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। और पॉइंट क्या है कि अगर अपने ये जो पेटीएम का जो पोस्टपेड प्लान के द्वारा आपको जो इतना पैसा मिल रहा है फ्री में, ये एक्चुअली फ्री नहीं है फ्रेंड, ये आपको उधार दे रहा है पेटीएम वालों ने, जो कि आपको नेक्स्ट महीने में चुकाना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर आपने इसका सिस्टम क्या है फ्रेंड, इसको नेक्स्ट महीने में आपको पहले तारीख को एक अलर्ट रिमाइंडर दिया जाएगा जो नोटिफिकेशन के द्वारा। तो फ्रेंड आपको अगर उसको अवॉइड भी कर लेते हो तो आपको 7 तारीख को और एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन अलर्ट दिया जाएगा, जैसे कि SMS के द्वारा। तो अगर उसको भी अवॉइड करते हो और इग्नोर करते हो तो फ्रेंड आपको 15 तारीख को लास्ट वार्निंग दिया जाएगा। तो फ्रेंड अगर उसको भी आप इग्नोर करते हो तो आपको लेट फाइन के हिसाब से आपको कुछ, यहाँ पर मैं टेबल शो कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, तो उसको आप देख सकते। जैसे कि फ्रेंड अगर आपको 51 से 100 रुपये का है तो आपको लेट फाइन 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर 101 से 500 रुपीज़ तक है तो आपको 50 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। अगर 500 से 1 रुपीज़ तक है तो आपको 500 से 1000 रुपीज़ तक है तो आपको 100 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक है तो आपको 200 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। अगर 2000 से 5000 तक है तो आपको 500 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। और 5000 से ज़्यादा करके जितना भी है तो आपको 600 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। और फ्रेंड असली बात यही है, अगर तब भी आपने ये जो पैसे नहीं चुकाया तो सीधे सीधे पॉइंट यही है फ्रेंड, इसी टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो बनाया कि अगर इस पैसे को आप एकदम ही नहीं दिया तो पेटीएम वालों ने आपके साथ क्या एक्शन लेने वाला है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, मैं वही बात अब करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो बहुत सारे पॉइंट्स है फ्रेंड, उसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपका पेटीएम का जो वॉलेट बैलेंस है वो इंक्रीज़ करना चाहो तो आपको तो फुल KYC करना ही पड़ेगा। और आपको जो आपका जो जो पेटीएम वालों ने जो उधार दिया वो टाइम टू टाइम आपको पे करना होगा। तो ये जो एक्टिविटी है आपको पेटीएम वालों ने ऑब्जर्व करेगा और आपका जो लिमिट है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। और आते हो लास्ट पॉइंट पे, जहाँ फ्रेंड है यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंड इफ़ यू डोंट पे योर पोस्टपेड बैलेंस। तो क्या होगा अगर आप पोस्टपेड बैलेंस को नहीं पे करते कभी भी, तो फ्रेंड आपके साथ क्या एक्शन होगा? तो फ्रेंड यही है बात, इफ़ यू डोंट पे योर पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस आफ्टर योर ग्रेस टाइम इज एक्सपायर्ड यू विल बी चार्जेड एज सो अबव। इफ यू डोंट पे विथ अबव चार्जेस पेटीएम विल डिडक्ट योर वॉलेट ऑटोमेटिकली। इन केस इफ यू कीप योर वॉलेट बैलेंस जीरो देन यू हैव टू डिटेल्स टू राइट और राइट टू कॉल और SMS यू पेइंग योर बिल्स एंड टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, सो डोंट थिंक यू कैन चीट विथ पेटीएम। तो फ्रेंड यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेंड अगर आप उस चार्ज को भी विथ उस चार्ज जो पेनल्टी चार्ज है उस चार्ज को भी नहीं पे करते तो फ्रेंड पेटीएम ने आपको वॉलेट से ऑटोमेटिकली बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपको वॉलेट बैलेंस पे 0 रुपीज़ रखते हो तो फ्रेंड पेटीएम ने एक लीगल एक्शन आपके साथ लिया जाएगा। और आपको पहले तो आपको कॉल और SMS करेगा, उसके बाद पेटीएम वालों ने लीगल एक्शन लेगा। तो आप सोचना भी बात कि पेटीएम के साथ आप कोई चीट कर सकते हो। तो फ्रेंड और एक इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड यही है मेन पॉइंट और यही है बहुत ही डराने वाली बात, जो यही है वो मेन डराने वाली बात यही है फ्रेंड कि पेटीएम का जो पोस्टपेड प्लान है वो ICICI बैंक से पार्टनरशिप करके रिलीज़ किया है फ्रेंड, वो लॉन्च किया है, यू ही नहीं लॉन्च किया, तो ICICI बैंक से ट्रस्टेड बैंक है फ्रेंड, उसके साथ पार्टनरशिप करके ये जो इस कॉन्सेप्ट ये निकाला। तो फ्रेंड अगर आपने नहीं चुका तो और भी आपके पास और कुछ हो सकता है आपके साथ, जैसे कि योर पेटीएम ICICI बैंक पोस्टपेड अकाउंट विल बी लॉकेट मोर कवर एंड डिले इन पेमेंट और नॉन पेमेंट और रिपोर्टेड टू CIBIL एंड अदर क्रेडिट ब्यूरोज एंड मे इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू गेट लोन इन द फ्यूचर। तो फ्रेंड
तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं सी आई बी आई एल आर फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म है कैडिट इंडिया ब्यूरो इंडियन लिमिटेड, जो कि फ्रेंड ये क्या है। तो ये जो सिस्टम है फ्रेंड, ये आपका जो जो आप अगर आपने पेटीएम का जो बिल है वो नहीं पे किया तो फ्रेंड सीधे उसके पास रिपोर्ट कर देगा सी आई बी आई एल के पास। तो फ्रेंड ये क्या है, इसको आपने तो आपका पेटीएम आपका जो जो आधार कार्ड और जो पैन कार्ड सिस्टम है फ्रेंड वो तो आपके पास वो तो पेटीएम वालों के पास रहेगा ही। तो ऐसे क्या होगा फ्रेंड, पेटीएम पैन कार्ड का जो पैन कार्ड पैन नंबर और आधार कार्ड तो उसके पास रहेगा ही, तो ये क्या कर देगा आपका पैन कार्ड को और आपका आधार कार्ड को ऐसा कुछ कर देगा कि आपको जो भविष्य फ्यूचर पे आप जब भी कोई लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक्सेप्ट अप्रूव नहीं होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड और भी कुछ यहाँ पर लिखा गया कि सिर्फ यही नहीं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन पेमेंट आर रिपोर्टेड टू सिविल एंड अदर्स क्रेडिट ब्यूरोज। तो फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ सी आई बी आई एल पे नहीं और भी एक ब्यूरोज पे आपको रिपोर्ट कर देगा, तो इस पर बहुत कुछ होने वाला है फ्रेंड। तो आप अगर आप सोचना भी मत कि आपको पेटीएम से आप पैसा लोगे और पैसा नहीं पे करोगे। तो फ्रेंड सीधी तरीके अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे कि तो आपको इस जो बैलेंस है बैलेंस जो पेटीएम का बैलेंस आपको पोस्टपेड के द्वारा दिया जाता है, तो फ्रेंड बैलेंस को आप अगर पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड। इस बैलेंस को आप अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो इस बैलेंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो और बाद में इसको चुका भी सकते हो। लेकिन फ्रेंड माइंड में नेगेटिव नहीं नेगेटिव एकदम ही मत लाना क्योंकि फ्रेंड नेगेटिव से इंसान आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ पीछे ही मोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड। तो वीडियो को राय कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।